नमस्कार, जेके 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज की 100 बड़ी खबरों की। मनोहर पारिकर के बाद प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने सोमवार को आधी रात के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत के साथ 11 महाराष्ट्रवादी गोपतक पार्टी के सुदिन धावलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई समेत 11 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। नवनियुक्त गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मुझे सभी सहयोगियों के साथ एक स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। अधूरे कामों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। प्रमोद सावंत ने कहा कि मनोहर पारिकर जी के जितना काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना संभव हो सके काम करने की कोशिश करूंगा। सावंत इससे पहले गोवा विधानसभा के स्पीकर थे और इसके अलावा जानकारी मिली है कि विजय सरदेसाई और सुधीन धवलीकर को डिप्टी सीएम का कार्यभार दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 56 उम्मीदवारों की पांचवीं सूची जारी कर दी है। गाजियाबाद से कांग्रेस ने जॉली शर्मा पर भरोसा जताया। इसके साथ सात तेलंगाना के निजामाबाद से मधु यशकीगौड़, एन उत्तम कुमार रेड्डी को, अभिजीत मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के जंगमपुर, वहीं रंजन चौधरी को बहरमपुर से चुनाव में उतारा है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनावों के लिए 132 उम्मीदवारों की सूची और ओडिशा विधानसभा के चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लंदन में रह रहे भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी अधिकारियों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव के प्रत्यार्पण का अनुरोध किया था, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस बारे में जांच एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है और जल्द ही उसकी औपचारिक गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद नीरव मोदी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां वह अपनी जमानत और प्रत्यार्पण के लिए कानूनी मदद ले सकेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ दिलाने के लिए परिषद नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। आज होने वाले जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में अन्य मुद्दों के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। पिछली बैठक में परिषद ने निर्माणाधीन और किफायती मकानों पर जीएसटी दरें घटाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी आज अपने लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। लिस्ट दो बार में जारी हो सकती है। पहली लिस्ट सुबह के समय जारी की जा सकती है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के उम्मीदवार शामिल होंगे। इस चरण के लिए सोमवार से ही नामांकन शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा लिस्ट शाम के समय जारी की जा सकती है। बीजेपी की सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित थी। इस बैठक के बाद ही पहली लिस्ट जारी किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब हमले को असभ्य व निर्मम करार देते हुए कहा कि यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध किसी भी तरह के क्षमादान के योग्य नहीं है। पीड़ित ने जिस तरह की भावनात्मक पीड़ा को झेला, उसकी भरपाई आरोपी को सजा सुनाकर या मुआवजा देकर नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग ने कहा कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके द्वारा पूर्व में सत्यापित कराए बिना दिए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करेगा। चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आयोग और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के मध्य आज बातचीत प्रस्तावित है। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रयागराज में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश का संविधान संकट में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि विघटनकारी और छलावे से भरी राजनीति को ठीक करने का काम कांग्रेस नहीं बल्कि जनता करेगी। अपने भाई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए भावनात्मक अंदाज में प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने और मेरे भाई ने बहुत संघर्ष देखे, अपने पिता की शहादत देखी है। कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा लिया। हार्दिक अपने इस नए नाम के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। हार्दिक पटेल ने अपने नाम के आगे बेरोजगार जोड़कर नया ट्रेंड शुरू कर दिया। अब देखना है कि सोशल मीडिया कैंपेन का क्या असर होता है। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का सोमवार का पणजी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और लंबे समय से बीमार चल रहे पारिकर का रविवार शाम निधन हो गया था।
पर्रिकर को अंतिम विदाई देने के लिए भाजपा के पंजे स्थित दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। पर्रिकर के सबसे बड़े बेटे उत्पल ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अपने चहेते नेता को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यूपी के अम्बेडकर नगर में सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर 2019 के चुनाव प्रचार का आगाज किया। बस्ती में कुछ बदमाशों ने एक महिला से 24,000 रुपए लूट लिए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों को तलाशने की कोशिश में जुटी। कानपुर में एक युवती ने लड़के पर शादी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरदोई में पुलिस के चेकिंग के दौरान एक कार से 10 लाख रुपए बरामद किए। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। मैनपुरी में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कई प्रकार के उपकरण और मोहरे बरामद किए। लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बजते ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी रोटी जनता के बीच सेकने में लग गई हैं। कानपुर नगर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक ने भी अवैध रूप से मिलावट करके बनाई जा रही नकली शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कासगंज में होली के त्यौहार को देखते हुए आबकारी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी के तहत आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर शराब तस्करों के घर छापेमारी की। हापुड़ में पुलिस के साथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने बीते दिनों हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खेल साय को नियुक्त किया, जिसके बाद खेल साय ने सभी का आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के साथ जोनल अधिकारियों की बैठक हुई और इसी दौरान कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। महाराष्ट्र के परभणी में एक फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। सोलापुर पुलिस स्टेशन के परिसर में भीषण आग। महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस आयुक्त के परिसर में एक कार और एक बाइक में लग गई। दोनों गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली। मध्य प्रदेश के मनावर में फाल्गुन के महीने में टेसु के फूलों की लालिमा देखते बन रही है। टेसु के फूलों से आसपास खूबसूरती देखने को मिल रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में होली सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी दौरान भारी संख्या में पत्रकारों ने भी शिरकत की। उत्तराखंड के जसपुर में कार को बचाने के चक्कर में एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इसी दौरान पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बांदा में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने एक युवक के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए। रुड़की में लोग होली के मौके पर चाइनीज सामान का विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग चाइनीज चीजों को कम पसंद कर रहे हैं। यूपी के बागपत में उस समय हड़कंप मच गया जब दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने पत्नी को फोन करके वारदात की जानकारी दी। हलियापुर थाना की पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस के हत्थे शातिर अपराधी लग गए। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का ट्रक और असलाह बरामद किया। बांदा में बुंदेलखंड राज्य सेना के अध्यक्ष और नेताओं ने मीटिंग कर सभी पार्टियों से बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की घोषणा करने की मांग की। बांदा पुलिस ने जुआघर में छापेमार कर राजजुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों के पास से नकदी और ताश की गद्दी बरामद की। मुजफ्फरनगर में किराना व्यापारी और उसके नौकर से बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने विरोध करने पर नौकर को गोली मार दी। घटना उस वक्त हुई जब किराना व्यापारी दुकान को बंद कर लौट रहा था। वही घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। आजम खान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से नाराज सपा नेताओं का एक डेलीगेशन प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला और प्रशासन के कुछ अधिकारियों की शिकायत कर जांच की मांग की। जौनपुर में एक विकलांग जमीनी विवाद में इतना डरा हुआ है कि वो अब घर जाने को तैयार नहीं। दिव्यांग का कहना है कि वो पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा मांग चुका है पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुरादाबाद की तरफ से कुछ बदमाश ट्रक लूट कर आ रहे हैं। पुलिस को आरोपी के पास से 10 टायरों वाले डंपर के साथ एक 32 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू की।
रायगढ़ क्षेत्र में बोलेरो और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई, सात समेत महिला की मौत हो गई, साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। महाराष्ट्र के हिंगोली में रेल की पटरी पर बैठकर पबजी गेम खेल रहे दो दोस्तों को ट्रेन ने कुचल दिया। बता दें कि गेम खेलते वक्त दोनों के कानों में हेडफोन होने के कारण ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया, जिससे यह हादसा हुआ। अहमदनगर में ट्रक और इथिका कार में हुई आमने सामने टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और मरने वाले सभी मुखेड़ जिला नांदेड़ के बताए जा रहे हैं। अहमदनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 तोला सोना, एक मोटरसाइकिल सहित 3,80,000 का माल बरामद किया। बुल्डाना खामगा में नाले में डूबने से दो बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें कि दोनों बच्चे सुबह से लापता थे, देर रात दोनों बच्चों का शव नाले में तैरता मिला। उन्नाव जनपद के कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित गई, बैठक में जिलाधिकारी, एसपी, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी पहुंची, संगम स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर, विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान लला जी से मांगा जीत का आशीर्वाद। बांदा में पुलिस ने छापेमारी करके अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नौ फैक्ट्री के साथ 432 लीटर कच्ची शराब बरामद की। हरिद्वार के बुग्गावाला में खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, हरिद्वार के जिलाधिकारी ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन का सामान बरामद किया। यूपी में चुनाव प्रचार शुरू होते ही बार बालाओं के ठुमके देखने को मिले, बागपत में हुई सपा बसपा और आरएलडी की चुनावी सभा में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। बांदा में रेत माफिया को प्रशासन का इतना खौफ है कि पकड़े जाने के डर से रेत माफिया ने एक ट्रक को नदी में कुदा दिया, हादसे में युवक की मौत हो गई। बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक लगी आग में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। होली नजदीक आते ही मिलावट का दौर जारी है, शाहबाद में पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में दूध और पनीर का पाउडर बरामद किया। योगी के यूपी में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है, हरदोई के थानापाली में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। यूपी के हरदोई में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, यहां दबंगों ने एक दंपति को पीटकर उसके घर में आग लगा दी। अम्बेडकर नगर में क्रिएटिव नाटक अकादमी के द्वारा कठपुतली नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विलुप्त हो रही कठपुतली कला के माध्यम से उनके मोहन से महात्मा तक सफर को दिखाया जा रहा है। होली के त्यौहार में बेशक अभी कुछ दिन बचे हैं, मगर गाजीपुर के लोगों ने त्यौहार को मनाना शुरू कर दिया। गाजीपुर में शाम होते ही लोग घर घर जाकर होली के गीत गाते हैं। गाजीपुर के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी हरकेश चौरसिया ने चुनाव कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में जानकारी दी। आगर में हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग हादसे में घायल हो गए। बेनामी संपत्ति और कालेधन पर रोकथाम के लिए आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, विभाग ने ऐसे 2000 लोगों को नोटिस भेजा है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 230 रुपए फिसल कर दो माह से अधिक के निचले स्तर 32,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन पिछले सप्ताह 6,00,000 करोड़ रुपए पहुंची है, फिर भी निवेशक इस बार दांव खेलने के लिए उत्साहित है। अमेरिका की फोन निर्माता कंपनी एप्पल ने भारत में आईफोन 6, आईफोन 6S और आईफोन 6 प्लस की बिक्री बंद करने का फैसला किया। अगर आपने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे 19 मार्च तक निपटा लें, नहीं तो 24 मार्च तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 20 से 24 मार्च तक बैंक बंद रह सकते हैं। नीदरलैंड के यूट्रेच शहर में गोलीबारी की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। चीन के शिनजियांग प्रांत में पश्चिमी इलाके में अधिकारी ने साल 2014 में अब तक लगभग 13,000 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया साइट फेसबुक का कहना है कि न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च गोलीबारी की और 15 लाख वीडियो हटाई गई। पाकिस्तान में हरी मिर्च और टमाटर के बाद अब दालों सहित अन्य सब्जियों और चीनी की कीमतों ने लोगों का दम निकालना शुरू कर दिया है। टोरेंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लगने के कारण टर्मिनल 1 में अमेरिका जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया।
अभिनेता आमिर खान ने कहा कि मैं किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करता हूं, लोकसभा चुनावों में सभी को अपने वोट जरूर देने चाहिए। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन तैमूर की दादी शर्मिला टैगोर को तैमूर की मीडिया कवरेज पसंद नहीं। दिशा पटानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी बोल्ड तस्वीर शेयर की, इस तस्वीर को शेयर करते ही वे यूजर्स के निशाने पर आ गए। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के प्रेग्नेंट होने की खबरें भी आई हैं, जिसे उनकी मां ने सिरे से नकारा है और ऐसी खबरों की आलोचना भी की है। इन दिनों सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश के नाम से मशहूर सारा अली खान और कार्तिक आर्यन दिल्ली और गुरुग्राम की गलियों में इश्क लड़ाते नजर आए। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को मात देकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड में हुई भीषण गोलाबारी में बांग्लादेश के क्रिकेटर बाल बाल बच गए, जिसके बाद आईसीसी ने कहा कि इस साल इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी कोच ओमकार सालवी ने कहा कि उनकी टीम ने लंबे समय से युवा गेंदबाज संदीप वॉरियर पर नजर रखी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थियम ने दिग्गज रोजर को हराते हुए इंडियन वर्ल्ड 2019 का खिताब अपने नाम किया। राहुल बेके ने 117वें मिनट में किए गए शानदार गोल की मदद से बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग के 5वें स्तर का खिताब अपने नाम किया। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24/7 न्यूज।